नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे और अपने समय का सदुपयोग समझदारी से करेंगे। बच्चों, मैं पूजा छाबड़ा आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में कौन सा व्यंजन सीखा था? यस, हमने पिछली वीडियो में व्यंजन इया सीखा था और आज हम व्यंजन ट सीखेंगे। बच्चों, यह आपकी हिंदी की रीडिंग बुक है। देखिए, आज हम व्यंजन ट पढ़ना सीखेंगे। ट टमाटर। ट टमाटर खाते हैं ना आप? ये बहुत ताकतवर होता है, सभी सब्जियों में भी डलता है, मम्मा डालती है ना? यस। ट टहनी। ट टहनी देखिए बच्चों, ट टहनी, इसे ट टहनी कहते हैं, जो पेड़ की शाखा होती है ना उसे टहनी कहते हैं। देखिए बच्चों, ट टमटम, इस पे हम बैठ के जाते हैं। यह पहले चलता था, जब आपके दादू दादी थे ना उस टाइम इस पे हम बैठ के जाया करते थे घूमने। ट टब, आप इसमें नहाते हैं ना अपने बाथरूम में, उसे टब कहते हैं। बच्चों देखिए, ट टब, ट टमाटर। ओके बच्चों, अब हम व्यंजन ट लिखना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी पेन से दूसरी लाइन के डॉट पे रखनी है और एक छोटी सी सीधी रेखा बनानी है। इसके बाद आपको बाएं हाथ की तरफ एक अर्धगोला बनाना है और अब लास्ट में आपको ऊपर एक शीर्ष रेखा बनानी है। आपका व्यंजन ट इस तरह से लिखा जाता है। बच्चों, लेट्स प्रैक्टिस वन मोर टाइम। आपको सबसे पहले अपनी पेंसिल दूसरी लाइन के डॉट पे रखनी है और एक छोटी सी सीधी रेखा बनानी है। इसके बाद आपको चौथी लाइन तक एक बाएं हाथ की तरफ अर्धगोला बनाना है और ऊपर एक शीरो रेखा बनानी है। आपका व्यंजन ट इस तरह से लिखा जाता है। बच्चों, आपको व्यंजन ट लाइंस पे प्रॉपर लिखना है, डॉट्स पे प्रॉपर बनाना है। बच्चों, अगली वीडियो में हम व्यंजन ठ लिखना सीखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। आज का आपका होमवर्क है, से एंड राइट व्यंजन ट ऑन पेज नंबर 40 इन योर वर्कबुक 2। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।